खबर महाराष्ट्र से, जहां पर 50-50 फॉर्मूले को लेकर खींचतान लगातार जारी है। इसी बीच शिवसेना सांसद संजय राउत का एक बड़ा बयान सामने आ गया है। शिवसेना को सत्ता की भूख नहीं है, ये कहना है संजय राउत का। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी को कहा है कि वो गठबंधन धर्म का पालन करें और कहा कि शाह उद्धव के बीच जो बात हुई थी वो होनी चाहिए और यहाँ कोई दुष्यंत नहीं जिसके पिता जेल में हो। और इसके साथ ही संजय राउत ने यह भी कह दिया है कि हमारे पास विकल्प कई हैं और हम देख रहे हैं कि कौन कितना गिरता है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, सरकार गठन को लेकर जिस तरह से महाराष्ट्र में कवायदे चल रहे हैं, खींचतान जारी है, उसी बीच यहां पर एक बड़ा बयान संजय राउत का। देखिए, अगर कोई प्लान ए करता है, क्या प्लान बी करता है, प्लान सी करता है, ए टू जेड करता है, ये उनकी मर्जी है, डेमोक्रेसी है। जेड के ऊपर कुछ और जेड होगा, डबल जेड, हाँ, जेड प्लस, वो कोई भी कर सकता है। डेमोक्रेसी में ये सबको अधिकार है। अब मैं ये कहूँगा कि हमारा गठबंधन है, गठबंधन धर्म का पालन हम करने जा रहे हैं। अगर एक धर्म का पालन कोई नहीं करना चाहता तो उसको मेरे पास कोई जवाब नहीं है, जवाब जनता देगी। सत्ता की भूखे हम नहीं है और सत्ता के लिए कुछ भी करना, लोकतंत्र का मर्डर करना, हाँ, और किसी को साथ लेकर जिसके खिलाफ हम चुनाव लड़े, नैतिकता के पाठ पढ़ाए, ऐसे बहुत से है। शिवसेना ने हमेशा इस प्रकार की राजनीति से अपने आप को दूर रखा है। यहाँ कोई दुष्यंत नहीं है। तो कौन है यहाँ? कोई दुष्यंत नहीं है जिसका जिसके पिताजी जेल में है, हाँ। यहाँ तो हम है जो नीति और धर्म की राजनीति करते हैं, सत्य की राजनीति करते हैं। यहाँ शरद पवार जी है जिसने बीजेपी के खिलाफ पूरा माहौल खड़ा कर दिया, चुनाव लड़े हैं। और यहाँ एक कांग्रेस पार्टी है जिनके पास एक आंकड़ा है जो कभी बीजेपी के साथ नहीं जाएगी। कौन किसको सबक सिखाएगा? सत्ता से दूर रखना कोई सबक होता है? अगर कोई हमको सत्ता से दूर रखना चाहते हैं, ये हमारे लिए ऑनर है। हमारा जन्म विपक्ष में हुआ है, सड़क पर हुआ है, हम सड़क की राजनीति करते आए हैं। सत्ता से दूर रखने के लिए अगर कोई साजिश करता है और वो भी जो गठबंधन में है, जैसे आप कह रहे, मुझे लगता है ये धर्म की राजनीति नहीं है। कुछ ना कुछ जल्दी ही निर्णय हो जाएगा। सत्ता का रिमोट कंट्रोल आपके पास में? सत्ता का रिमोट कंट्रोल आपके पास में है सर? बात रिमोट कंट्रोल की नहीं है, बात आंकड़े की है। हम बाजार खोलकर बैठे नहीं है, हम बैठे नहीं है, हम सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं क्या हो रहा है, लोग कितने हद तक जा सकते हैं, कितने हद तक गिर सकते हैं। देखिए, गठबंधन जनादेश गठबंधन के लिए है। जनता ने महाराष्ट्र की जो जनादेश दिया है वो गठबंधन को दिया है और निश्चित तौर से सरकार गठबंधन की बनेगी। देखो, कुछ लोगों को रोने का रोग लग गया है और ये तमाम ऐसे अज्ञानी लोग हैं जिन्हें जिनके दिमाग में निगेटिविटी भरी पड़ी है, नकारात्मकता भरी पड़ी है, वो सकारात्मक चीज़ें सोच ही नहीं सकते। और ऐसे रोने के जो रोगी हैं उनका हम क्या इलाज कर सकते हैं?